हाय, क्या वर्कआउट था यार, स्वाद आ गया यार। मेरा मन करता है ना घर ऐसे ही चला जाऊँ शर्टलेस, मस्त रनिंग करता। बट भाई यहाँ पे लोग घूरते हैं पागलों की तरह। वेलकम सबका, स्वागत है एक नए व्लॉग में। आ जाओ सुनो, ये बदबू आ रही होगी तो अभी स्ट्रगल कर लो, ये हॉस्पिटल के बेड पे कर लेना। ओए भाई, सारी चीज गंदी हो गई, मैं धो दे और ये मास्क और दो, कति गंदा हो रहा है, सब कम पसीना हो रहा है। बर्फ डाल दी भाई, अरे मजा भाई। अगर आप आइस बाथ नहीं ले रहे हो ना सर्दियों में, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ट्रस्ट में, स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है। कोई भी डिजीज़ नहीं होगा, अपनी स्किन ग्लो देखना, इतने बेनिफिट है यार, गूगल कर लो यार, पागल हो जाओगे तुम लोग। एंड हाँ, थोड़ा स्ट्रगल है बट, या तो अभी स्ट्रगल कर लो या हॉस्पिटल के बेड पे कर लेना, चॉइस आपकी है। यार अभी जस्ट ब्लू डार्ट वाले का फोन आया है, नहा धो के मैं निकला हूँ। एक तो आइस बात के बाद सारा शरीर, और वो आने की वजह से तो मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका, मैं वेट नहीं कर सकता। भाई बस तुम जब ही देखना, थोड़ी मालिश कर दे, ढंग से करना। ओए अच्छा, ऊपर खड़ा हो जा मेरी पीठ पे, मेरी पीठ पे खड़ा हो जा। चल दे थोड़ी देर। ओए राम, हाँ बम पे और चल दे। हाँ हैमस्ट्रिंग, ओए राम भाई, कल हैमस्ट्रिंग करी थी, मजा। हाँ देख यहाँ चल, अच्छे से चल दे, चला भी नहीं जा रहा तेरा। हाँ रुक जा, मेरा कच्चा उतर गया। हाँ ओ देख देख पागल, देख रहे गंदा बच्चा, तेरे तो बड़ा गंदा है। पहले कीटी कर दे, अब दिखा। तू ब्रश नहीं करके आया सुबह सुबह? यार मेरे दांत में दर्द होता है इसलिए नहीं करके आया। इसीलिए तो होता है, नहीं करता नहीं, वो फीलिंग निकल रखी है इसलिए दर्द होता है। अब दिखा, वो दिखा भी पहले सुनाई पूरी सुनाई, ये बदबू आ रही होगी। बस रुक जा भाई, तू तो अभी से ही प्रोटीन फूड खा रहा है। गिरा मत यार, तो ये फूक ले ले, मेरे को भी दे दे ना। क्यों भाई, मेरे अंडे और मेरे को नहीं दे रहा? अरे गंदे, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आराम से खाओ, प्यार से, आराम से, अच्छी तरह, अच्छा बच्चा बन के। फूक बताऊं, फोक तेरे को फोक से खाएगा? ऐसे थोड़ी ना करते, आराम से खाओ। तेरे को अंडों के लिए भी फोक चाहिए? बताऊं इतना देख 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 देख, भाई कोरियर पासपोर्ट सर। अरे भाई तुमने पहला तो कल फोन करके नो बोले, तुम अग अभी आए और मेरे तो डरता नहीं था नहीं आने का। भाई जल्दी दे दे, बस आईडी दिखा दो। ओहो आईडी उस ऑफलाइन इसमें दिखा दो फोन में। हाय फाइनली पैकेज आ गया है, अब मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा पहले बताऊं या अनबॉक्स करूं, ये गुड न्यूज़ भी हो सकती है, बैड न्यूज़ भी हो सकती है, मेरे को जेनविनली कुछ नहीं समझ आ रहा और मेरे हाथ ठंडे पड़े और मैं पागल हो रखा हूं। चलो आप लोग को बता देता हूं भाई, मैंने न्यू ईयर का प्लान शेनेगन वीज़ा अप्लाई कर रखा था। शेनेगन वीज़ा होता है यूरोपियन कंट्रीज़ का, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। कंट्री आप लोग को भी नहीं बताऊँगा, कंट्री आपको पता लगेगी न्यू ईयर वाले वीक की। सो लेट्स अनबॉक्स दिस, फाइनली इसका 10 दिन का वेट था,
और मैं बता नहीं सकता, ये कुछ भी हो सकता है, या तो मेरा दिल टूट जाएगा या मैं पागल हो जाऊंगा खुशी के मारे भाई। नाउ लेट्स यार, एक लेटर भी है यार, मेरी तो फट सी रही है भाई। लेटर बाद में देखूंगा मैं, ये लेटर किस चीज़ का, मेरे बस की नहीं भाई लेटर खोलना, मेरे बस की पहले ये है भाई। यार फोटो उल्टी आ गई यार, क्या चक्कर है भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी जब अगर कैंसिल हो गया ना। ये दुबई की स्टैम्प, फक भाई। अरे यार नहीं यार, प्लीज यार नहीं है स्टैम्प। भाई गड़बड़ होगी मेरे को लग रहा है। भाई क्या रीजन है, यार जर्मन में लिखा हुआ है, कहाँ इंग्लिश मेरा। योर एप्लीकेशन इज मिसिंग डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन चेकलिस्ट विच आर एसेंशियल फॉर चेकिंग एंड अप्रूवल अपॉन Due to missing document, the visa section was unable to check the legal aspects of your application, such as purpose of travel, financing of the intended journey. क्या सीन है यार, the visa has been refused, the decision based on the following reasons. My, क्या पढ़ू यार। क्या रीजन है यार, हे राम भाई कैंसिल हो गया भाई अभी। यार सदमा सा लग गया यार, ऐसा हो गया मतलब इन लोगों ने क्यों कैंसिल करा, सारे रेलिवेंट रीजन लग रहे हैं मेरे को। मतलब मैं यूरोप जाने का प्लान कर रहा था न्यू ईयर पे, मैं तो फुल एक्साइटेड था। मेरा दोस्त रहता है यार, बचपन का दोस्त रहता है, दो भाई है, एक और गया उनके पास। तीन दोस्त थे मेरे बचपन के, मेरे ख्याल में सबसे पुराने दोस्त थे मेरे, मेरे ख्याल में नहीं अपेरेंटली मेरे सबसे, मतलब मेरे सबसे पहले दोस्त हो गए वो लोग लाइफ के, वहाँ एस्टेब्लिश्ड एक कंट्री में। कंट्री भी बताएंगे भाई, अभी नहीं बताएंगे, ये लड़ाई में हारा नहीं हूँ, जाके तो रहूँगा। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या रीज़न दिया इनको। ट्विटर हैंडल इन सब का VFS ग्लोबल है क्या, ये जो भी है VFS ग्लोबल है, क्योंकि सी कंपनी से मुझे NOC मिल गया, छुट्टियों की वो मिल गई थी कि ठीक है आप जा सकते हो, गया मैंने वो दिखा दिया, बैंक स्टेटमेंट दिखा दी, सारी चीज़ कागज कार्रवाई जितनी भी होती है। वहाँ से मेरे दोस्त ने इनविटेशन लेटर भेज दिया था, मेरे सारे पर्चे वाइट थे, सब A to Z पेपर, 20-30 पेपर लेके गया था मैं, सब ओके रिपोर्ट था।
घर वालों का, मेरा पासपोर्ट, आधार वाला, सब ए टू जेड यार, 20-30 डॉक्यूमेंट थे बट सब टिप टॉप। और इन्होंने पता नहीं कुछ रेलिवेंट सा रीज़न दिया है कि हमें चीज़ें सही नहीं लग रही, ना इन्होंने वेरिफिकेशन करी है, ना कंपनी को फ़ोन आया कि भाई ये ऐसे ऐसे काम करता है ये बंदा, ये जा रहा है, आप इसको अलाउ कर रहे हो कि नहीं, ना मेरे दोस्त लोग को करा, कोई वेरिफिकेशन नहीं करी है, बट डॉक्यूमेंट ले लिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि डॉक्यूमेंट लेने के बाद भी फिर वेरीफाई भी नहीं करते तो क्या रीज़न है। एक तो वहाँ वेरीफाई कर लो, वहाँ से कुछ मनाए जब मैं मान लूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। खैर आज संडे है, कल इनको कॉल करूँगा, मेल करूँगा, इनकी बॉम्बे में ब्रांच है वहाँ भी करूँगा। मैं ऐसे रुकने वाला हूँ नहीं, मैं थोड़ा डेट आदमी हूँ इन मामलों में, कस्टमर ओरिएंटेड जो कंपनीज होती है ना वही सक्सेसफुल होती है, और ये लोग जो कस्टमर की वैल्यू नहीं करते ना, मतलब ये सोचो 10-12-14 हज़ार लग गए मेरे और आई कॉन्ट डू एनी थिंग राइट। एक है इसमें कुछ कहा इन लोगों ने कि वो कर सकते हो आप, एक नया वर्ड पढ़ा मैंने भी आज, रेमोन्स्ट्रेशन था क्या था, यू मे फर्दर मोर फाइल अ रेमोन्स्ट्रेशन, आ कुछ अपोज करना मतलब विद इन अ मंथ, तो कल करता हूँ मैं, आज तो ऑफ इन लोग का। बट यार समझ नहीं आ रहा यार कैसे इस लॉस को एक्सेप्ट करूँ। खैर अभी हुआ नहीं फुल एंड फाइनल, बट पहले तो लड़ूंगा, और अगर नहीं होगा तो इट इज इन हिज हैंड, कहीं ना कहीं लाइफ का कर्मा मान लो और क्या ही हो, बट अभी हार तो मानूंगा नहीं। कल एक बार मंडे आ जाए, इनका ऑफिस खुल जाए, पीछे तो पड़ूंगा लीच की तरह बिल्कुल भाई। बिकॉज मेरे को एक वैलिड रीजन बताओ पहले, क्या रीजन है भाई? आदमी पैसे भी लगा रहा, सारी चीज दे रहा, जब भी तुम लोग ऐसे रिजेक्ट कर रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। एक होता है मेरे सारे पर्चे सफेद है, हर चीज टिप टॉप है, फिर भी बंदों का क्यों नहीं एक्सेप्ट करते है? पैसा दे रहा, सब दे रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं यार। 10-12 हज़ार भाई बहुत हो जाते हैं, मेरे लिए तो बहुत है। दुबई का सही था यार, 7 हज़ार भेजे, एक आधार कार्ड भेजो, पासपोर्ट भेजो, आ गया, वीजा बात खत्म। सबसे सेफेस्ट सिटी, सेफेस्ट कंट्री यूएई, कोई भसड़ नहीं। शेनेगन में इतनी भसड़ क्यों है मेरे को ही नहीं पता यार, क्या बोलना यार। मेरा तो भाई दिमाग सा ही फिर गया, कि दिमाग डेड हो गया, मतलब समझ सा नहीं आ रहा। मैं तो इतना एक्साइटेड था, मैं तो वेट कर रहा था हो जाएगा, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं थी। बिकॉज मैं वहाँ भी गया था, VFS वाले जो बंदा था, एक उसने कहा था कि आपके सारे डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट नहीं था, वो मैंने ऑन द स्पॉट मंगा लिया था, बोला आपका सब ओके सब हो जाएगा। बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या रीज़न दिया इन लोगों ने, कोई रीज़न दिया भी नहीं, बस रिजेक्ट है बस। खैर एनी वे कल देखते भाई इसका मामला, कल रखते कुछ, पीछे तो पड़ूंगा ऐसे वो नहीं करूंगा। यार काम वाली की लड़की है, काम वाली काम करती है, बाहर बैठती है, पिन का मिनी ब्रेक चल रहा है, और मैं ये देख रहा था ये लड़की खेलती रहती है यार, कुछ है नहीं इसके पास, जब भी लगी रहती है कुछ ना कुछ चप्पलों के साथ, मूडी जाजिस पे बैठती है उसके साथ। और एक हम लोग है, इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी स्टिल कर्सिंग आर लाइव्स। सो भाई मत कर्स करा करो, मत रोआ करो, जो है उसमें खुश रहो, कमाओ, जियो, एंड ऑलवेज बी थैंकफुल। जस्ट बस यार यही कहना चाहूँगा, बिकॉज इन लोग को देख के यार बड़ा वो लगता है, हम लोग अपनी उसमें खुश नहीं है इतनी लाइफ में, और इन लोग को देख के वो लगता है यार वो लोग के पास कुछ ना होने के बाद भी दे आर हैप्पी। सो जस्ट बी थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड।